मम्मी पिग का बर्थडे। आज मम्मी पिग का बर्थडे है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओह, ये कितना प्यारा बर्थडे सरप्राइज है। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। अपने बर्थडे के ब्रेकफास्ट का मजा ले लो, आराम से खाओ। यम्मी। जल्दी करो, हमें बाकी सारी तैयारी करनी है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे केक बनाया है। अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने हैं। एक, दो। मैं आ रही हूँ। मम्मी पिग ने अपना बर्थडे ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। मम्मी आ रही है। ओह नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। कौन है? मैं हूँ मम्मी, क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं। यहाँ पर कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। अच्छा। मम्मी पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, ये अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है पापा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पापा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पापा। हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक, दो, तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाव, बहुत बड़ी है। हो, मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हुरे! हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। आ गए तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना, हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह, अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। एक, दो, तीन, अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी। कितना प्यारा सरप्राइज है ये। चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। मम्मी मम्मी, अपना गिफ्ट खोलो, गेस करो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता। तो खोलो और देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप खूबसूरत हो मम्मी। अब इसे पहनकर किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। ये क्या है? 2 टिकट्स आज रात के फिल्म के, चलो चलें। थैंक यू। मम्मी पिग को फिल्म देखना पसंद है। मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर संभाल लेंगे। हुर्रे! कितना अच्छा बर्थडे है, लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी मम्मी हूँ। और खूबसूरत भी। मम्मी पिग ने पेपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है। पेपा, ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मम्मी। ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रेट चीजें रखने के लिए। मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूँ मम्मी? वो तुम खुद ही सोचो पेपा, ये तुम्हारा सीक्रेट बॉक्स है। मैं
मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। गुड, पर मुझे मत बताना। मैं ना आपको बताऊंगी, ना जॉर्ज को, ना डैडी को। ये एक सीक्रेट है जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूँ तुम बाहर इंतजार करो। पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा, इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूं? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं, आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। अब भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद है। मम्मी, किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह, जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रेट चीजों से भर दिया, और सिर्फ जॉर्ज को पता है कि उसके अंदर क्या है। ओह। पेपा जानना चाहती थी कि जॉर्ज के बॉक्स के अंदर क्या है। ये जरूर जॉर्ज का खिलौना डायनासोर है। नहीं, जॉर्ज का खिलौना डायनासोर जॉर्ज के बॉक्स में नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती। पेपा को सीक्रेट सब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे। अगर तुम जॉर्ज को अपने बॉक्स से एक चीज दिखाती तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा। ये एक अच्छा आइडिया है। तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाओ कि तुम्हारे बॉक्सेस में क्या है। तैयार? हाँ। एक, दो, तीन। जॉर्ज के पास है ड्रम और पेपा के पास है ट्रम्पेट। ओ, अच्छा है। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीजें हैं? जॉर्ज के पास एक कस्टर्ड डोनट है। ओ। लेकिन पेपा का बॉक्स खाली है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पेपा, मेरे पास है, ये लो। जॉर्ज, पेपा, मम्मी पिग और डैडी पिग सबको कस्टर्ड डोनट्स पसंद हैं। मेरे पास कोई खास बॉक्स नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है अपने कस्टर्ड डोनट छुपाने की। क्या तुम बता सकते हो कहाँ? आप उसे छुपाने वाले हैं फ्रिज में? नहीं, कहीं उससे ज्यादा खास, मेरा पेट। स्वादिष्ट। और मैं अपना डोनट अपने पेट में छुपाऊंगी। और मैं भी। डैडी हो गए तंदुरुस्त। मम्मी पिग टीवी पर फिट रहने का प्रोग्राम देख रही हैं। और एक और दो और तीन और चार, झुको स्ट्रेच करो, झुको स्ट्रेच करो। एक और दो, मुझे टीवी देखना पसंद है। क्या चल रहा है मम्मी पिग? इस प्रोग्राम में तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज दिखाते हैं। अच्छा है, मुझे कसरत की जरूरत नहीं, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। आप तंदुरुस्त नहीं लगते डैडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है। मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी साबित करता हूँ। पहले क्या करके दिखाऊं? अपने पैरों को हाथ लगाइए ऐसे। आसान है डैडी, बहाना मत बनाइए, कोशिश तो कीजिए। मैं बहाना नहीं बना रहा पेपा। डैडी पिग सचमुच अपनी पैरों की उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते। ओह डैडी, ये अच्छी बात नहीं है।
मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए। जी डैडी, करनी चाहिए। और वो मैं करूँगा कल से। डैडी पिग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। ओह, फिक्र मत करो डैडी, मैं मदद करूँगी। ओ ठीक है, मुझे तंदुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो बताओ पहले क्या करूँ? पहले आपको थोड़े प्रेस अप्स करने हैं। आसान है। एक, दो, शाबाश डैडी, अब मैं चाहती हूँ कि आप 100 करें। 100? हाँ। चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैं भी करूँगा। नहीं डैडी, आपको 100 प्रेस अप्स करने हैं। एक, दो। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज किचन में लंच बना रहे हैं। डैडी पिग अभी भी अपने प्रेस अप्स कर रहे हैं। डैडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10? हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। 12? मैं जाकर देखती हूँ। 14? 15? 16? 17? डैडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको प्रेस अप्स करने थे। वो क्या है ना, टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा था। ओ शरारती डैडी। शायद डैडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फायदा होगा। इसमें मजा आएगा, मैं साइकिल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा। ये तो नामुमकिन है, ये साइकिल बहुत शोर करती है, टीवी सुनाई नहीं दे रही। आपको कुछ भी करके तंदुरुस्त होना ही है। आइडिया, आप मेरी साइकिल इस्तेमाल कीजिए। हाँ, और इससे आपको ताजी हवा भी मिलेगी। डैडी पिक पेपा की छोटी साइकिल चलाएंगे। डैडी, ये रहे पेडल्स, ये है ब्रेक्स और ये है घंटी। हाँ हाँ, थैंक यू पेपा, मैं जानता हूँ। बाय बाय। कितना आसान है। फिट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं बिना पैडल मारे भी साइकिल चला सकता हूँ। डैडी पिग बहुत तेज चला रहे हैं। ओह, मुझे अपनी स्पीड कम करनी होगी। इसके ब्रेक्स तो लग ही नहीं रहे। डैडी पिग ने बहुत देर कर दी। मम्मी, डैडी कहाँ होंगे? फिक्र मत करो पेपा, डैडी इतनी देर बाहर है, मतलब उन्हें जरूर मजा आ रहा होगा। डैडी, आप कहाँ गए थे? मैं पहाड़ी में बहुत तेजी से नीचे गया था और फिर मुझे साइकिल को इतने ऊपर तक वापस लाना पड़ा। ओह, बेचारे डैडी पिग। पर मेरी एक्सरसाइज तो हो गई ना। हाँ, आज के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कल फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। क्या? डैडी, अगर तंदुरुस्त होना है तो रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अरे नहीं। पर कोई बात नहीं डैडी, मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है। पेपा और उसका परिवार बीच पर जा रहा है। पेपा और जॉर्ज को बीच पर जाना बहुत पसंद है। कितनी सारी चीजें हैं, याद रखना लौटते वक्त हमें सब कुछ साथ लेकर जाना है। तौलिए, बीच बैग, छाता, बाल्टियाँ और ये बीच बॉल। शाबाश, अब खेलना शुरू करने से पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाते हैं। धूप बहुत तेज है, इसलिए पेपा और जॉर्ज को सनस्क्रीन लगाना पड़ रहा है। चलो इस बीच बॉल से खेला जाए। बड़ी उछलती है। कितना अच्छा बीच बॉल है। जॉर्ज, तुम बॉल फेंको और मैं उसे पकड़ूंगी। अब जॉर्ज, तुम पकड़ो। ओहो, जॉर्ज छोटा है इसलिए बॉल नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं जॉर्ज, क्या तुम्हें और पेपा को समंदर में तैरना है? हाँ डैडी प्लीज। तो चलो अपने वाटर विंग्स पहन लो। अब तुम तैयार हो। वाटर विंग्स में तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो।
मेरी बारी। हो गया। अब तुम पानी में जा सकते हो। पानी ठंडा है? ये बहुत ही अच्छा और गर्म है। आराम से। आप ही ने शुरुआत की डैडी पिग। अब और कितना छिड़कोगी? डैडी, मुझे बीच पर आना बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को बीच बहुत पसंद है। सभी को बीच बहुत पसंद है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम इन चीजों के साथ रेत में खेलना चाहोगे? हाँ मम्मी, खेलेंगे। डैडी डैडी, क्या हम आपको रेत में छुपा सकते हैं? अभी? प्लीज डैडी। ओह चलो ठीक है। ये! पेपा और जॉर्ज डैडी पिग को रेत में छुपा रहे हैं। आराम से। हो गया, अब आप नहीं निकल पाओगे। मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है, क्या मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? ठीक है, पहले प्लीज बोलिए। प्लीज, मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी डैडी। अब ठीक है, अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। जॉर्ज, चलो रेत का महल बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज रेत के महल बना रहे हैं। जॉर्ज, पहले रेत को बाल्टी में डालते हैं, ऐसे। फिर बाल्टियों को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं। फिर बाल्टी को उठाते हैं। देखो, बन गया। एक रेत का महल बन गया। और एक रेत का महल। पेपा, जॉर्ज, घर जाना है, अपना सारा सामान लेकर आओ। चलो देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं। तौलिए, बीच बैग, छाता और बीच बॉल, सब कुछ ले लिया। मुझे यकीन है हम पक्का कुछ भूल रहे हैं। याद आया, हम हैट भूल गए। डैडी, हम डैडी को भूल गए। हाँ, हम डैडी पिग को भूल गए। क्या क्या हुआ? डैडी, मम्मी और मैं तो आपको भूल ही गए थे, पर जॉर्ज को आपकी याद आई। मुझे खुशी है कि जॉर्ज को मेरी याद आई। गर्मी का दिन। सूरज चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कितना प्यारा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए। मुझे मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड्ढे सूख गए हैं। मम्मी, डैडी, गड्ढे सारे सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते। कोई बात नहीं पेपा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो। हाँ, स्विमिंग पूल। लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे। जी मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं। मम्मी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है और डैडी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। बहुत धूप है, तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी। याक, बहुत चिपचिपा और गंदा है। या! इसकी क्या जरूरत है? है, आज हम सबको जरूरत है। चलो जॉर्ज। इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं। डैडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं। कितना आसान है। पेपा ने पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है?
पेपा और जॉर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है। आइसक्रीम आइसक्रीम मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी डैडी क्या जॉर्ज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हुरे! क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिग के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघलकर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिग सो गए। डैडी पिग को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी डाला। ओह अच्छा, थैंक यू पेपा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज जूते पहनो। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हैं। पेपा और जॉर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है, पर सबसे ज्यादा उन्हें गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने कितना आसान है। ओह क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है?
ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है। इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी। अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग। क्या हुआ? डैडी, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। बुद्धू डैडी पिग। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष कांटेदार गुलाब है। उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियां काटो। दादा पिग। पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही।
क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। ये! आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ओह, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर, और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी। द स्कूल फेट। आज स्कूल मेले का दिन है। पापा को मेले में आना अच्छा लगता है। ये हैं पापा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। हेलो। मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है। मुझे भी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैं फेस पेंटिंग करना। गुब्बारे पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा उछलने वाला कासल पसंद है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हो, बहुत अच्छी पसंद है पेपा। फिर मिलेंगे पेपा। फिर मिलेंगे। जॉर्ज, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? डायनासोर। ओह डियर, मेले में कोई डायनासोर नहीं है जॉर्ज। शायद हम एक डायनासोर गुब्बारा ले सकते हैं। आपको यकीन है उनके पास डायनासोर गुब्बारे हैं डैडी पिग? हाँ हाँ, जरूर होंगे मम्मी पिग। क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मुंह पेंट कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है। तो ये लो सूजी, अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो। थैंक यू मिस रैबिट। वाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी। क्या तुम पुसी कैट हो? नहीं, मैं टाइगर हूँ। पेपा, तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती, मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर? उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं। पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है? तुम सब टाइगर्स हो। और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए।
एक लायन वाला, मुझे मंकी चाहिए, एक पैरट वाला। ओ हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ओ डियर, मेरे पास डायनासोर का कोई गुब्बारा नहीं है। ओ फिक्र मत करो जॉर्ज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम ये दो लंबे गुब्बारे ले सकते हैं? सब लोग उसको देखो। डैडी पिग गुब्बारे से क्या कर रहे हैं? बन गया। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? ये कंगारू है? नहीं, ये है डायनासोर। बिल्कुल ठीक, डायनासोर। डैडी पिग ने एक डायनासोर गुब्बारा बनाया। डायनासोर, अब वो उछलने वाला कासल। पापा को उछलने वाले कैसल में उछलना पसंद है। सबको उछलने वाले कैसल पर उछलना पसंद है। The Tooth Fairy. पापा और जॉर्ज अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, नूडल्स। हो, कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहां से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है, ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही हैं। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा, इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज, मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। ये टूथ फेरी कब आएगी? हाँ, टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है। कहाँ है वो टूथ फेरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी है? जॉर्ज, क्या तुमने कुछ सुना? ओ जॉर्ज। ओ, ये आवाज तो जॉर्ज के खर्राटों की है, वो इतना थका हुआ था कि सो गया। जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता, पर मैं जग सकती हूँ। मैं जागते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी। मैं नहीं सोने वाली हूँ। आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई, लेकिन पेपा सोई हुई है। हेलो पेपा, क्या तुम्हारे दांत के बदले में तुम्हें ये सिक्का चाहिए? वाह, कितना अच्छा और साफ दांत है। थैंक यू पेपा, गुड नाइट।
पापा जॉर्ज उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या मैं सोई नहीं थी? क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई। चलो तकिए के नीचे देखते हैं। देखो पापा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन रखा। हुरे! तुम सो गई थी है ना? हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन अगली बार मैं जगी रहूंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलूंगी। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पेग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ डॉक्टर ब्राउन बेयर आए थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बेयर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी, मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुँच गई, तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं मैं भी। अरे ये क्या,
तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। पैनकेक्स। चाय का वक्त है और मम्मी पिग सबको सरप्राइज देने वाली हैं। आज है पैनकेक्स का दिन। पैनकेक्स, यम्मी, अरे वाह। मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग? पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मम्मी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, जरूर पापा। पापा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है। जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा, अब बहुत हुआ हिलाना। मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो। मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे ना, तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पापा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे, तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। ये पैनकेक मम्मी पिग के लिए है। अब भी उन्हें ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल रही मम्मी पिग। अगला पैनकेक आपका ही है डैडी पिग, तो अब आप ही करके बताइए। बहुत यम्मी है। अब सबकी नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में ऊपर उछालना होता है। एक, दो और तीन। बुद्धू डैडी। ओह, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया। अब क्या करें? ये तो आखिरी पैनकेक था। इसे नीचे लाना बहुत ही आसान है। ओफो, डैडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुंच पा रहे। फिक्र मत करो डैडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो ऊपर चले बच्चों। मम्मी पिग क्या प्लान बना रही हैं? तीन की गिनती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है, ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो। ये सब कर क्या रहे हैं? काम हो गया, अब डैडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डैडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डैडी पिग? ठीक है, डालो। एक, दो और तीन। यम्मी पैनकेक। थंडरस्टॉर्म। प्यारा और सुनहरा दिन है। पापा और जॉर्ज पिकनिक मना रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस।
क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक यू पापा। ओ कोई बात नहीं टेडी। और ये है ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए डायनासोर। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डायनासोर। क्या टेडी और मिस्टर डायनासोर को कुकी चाहिए? ओ हमें बहुत भूख नहीं है, इसीलिए पापा और जॉर्ज सारी कुकीज खा सकते हैं। थैंक यू टेडी। ये अजीब आवाज कैसी? पापा, जॉर्ज, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। मम्मी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है पापा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा। जल्दी बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आओ। ओ, घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है। पापा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है, मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। टेडी, मैंने टेडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो पापा, डैडी पिक तुम्हारा टेडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी पूरा भीग गया। हाँ बेचारा टेडी, चलो उसे सुखाते हैं। बेचारा टेडी। ये लो टेडी, तुम सूख गए। पर बेचारे डैडी का क्या, मैं भी तो भीग गया हूँ। ओ सॉरी डैडी पिग, आपको भी सुखा देते हैं। ये देखो डैडी पिग, बिल्कुल सूख गए। बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्श गीली हो रही है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे डैडी पिग? चिंता की कोई बात नहीं। डैडी पिग बूंदें इकट्ठा करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश डैडी पिग, बहुत ही आसान था। ये क्या? जल्दी पानी जमा करने के लिए कुछ और लेकर आओ। बहुत अच्छे पापा, बहुत ही आसान था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। हर एक चमक और शोर के बीच गिनती करते हैं, और ज्यादा गिनती करने से तूफान दूर चला जाएगा। एक, दो, तीन। तीन पर। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच पर, तूफान दूर जा रहा है। तूफान शांत हो गया है। तूफान की वजह से बगीचे में मिट्टी के कई गड्ढे बने हैं। पेपा को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सभी को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। मुझे तूफान बहुत पसंद है, उनकी वजह से मिट्टी के गड्ढे बनते हैं। चपक 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 चपक। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं। दादी पिक, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिक, दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिक का सब्जियों का बगीचा, ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर।
एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पे। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पे। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। बुद्धू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिक की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओ जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। न्यू शूज। पेपा और जॉर्ज गार्डन में खेल रहे हैं। पेपा, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? खो गए। मुझे लगता है हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ। सब पेपा के जूते ढूंढ रहे हैं। मम्मी पिग फूलों में ढूंढ रही है। पेपा के जूते वहाँ नहीं हैं। ओह। डैडी पिग व्हील बैरो में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। ओह। पेपा और जॉर्ज गमलों में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। हमने सब जगह देखा लेकिन पेपा के जूते कहीं नहीं मिले। पेपा के जूते खो गए। अब मेरे पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं है। बेचारी पेपा, तुम्हारे जूते पुराने हो गए थे। हम नए जूते ले आएंगे। क्या मेरे नए जूते लाल होंगे मम्मी? बिल्कुल लाल होंगे। जॉर्ज, मैं
मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ। मम्मी पिग और पापा मिस रैबिट्स की जूतों की दुकान में हैं। हेलो मिस रैबिट। हेलो मम्मी पिग। हमें पापा के लिए नए जूते खरीदने हैं प्लीज। लाल जूते। जरूर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पापा। लाल जूते प्लीज। बिल्कुल, लाल जूते। वाओ, नए लाल जूते। जॉर्ज और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। ओह, शाबाश जॉर्ज। डैडी, डैडी, मेरे नए जूते देखिए, ये लाल हैं। ओह हाँ, ये लाल हैं। मम्मी, आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते? हाँ पेपा, इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। जॉर्ज, तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे? सबको पेपा के नए जूते अच्छे लगे। मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे हैं कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी। ये नहाने का समय है। पेपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं। पेपा ने अपना पैजामा पहन लिया, लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं। पेपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है। पेपा, क्या तुम पक्का अपने जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपने नए जूते कभी नहीं उतारूंगी मम्मी। ठीक है, गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट मेरे छोटे बच्चों। पूरी रात बारिश होती रही और अब गार्डन बहुत गीला है। मम्मी पिग ने अपने बूट्स पहने हैं, डैडी पिग ने भी अपने बूट्स पहने हैं, जॉर्ज ने भी अपने बूट्स पहने हैं, पेपा ने अभी तक अपने नए लाल जूते पहन रखे हैं। जॉर्ज गीली घास में खेल रहा है। ओह डियर, पेपा को गीली घास में खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने नए जूते गीले नहीं करना चाहती। मैं गीली घास में नहीं खेल सकती जॉर्ज। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। पापा को गड्ढों में कूदना पसंद है, लेकिन वो अपने नए जूते मिट्टी में गीले नहीं करना चाहती। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। ये पापा कहाँ जा रही है? पापा अपने बूट्स पहन रही है। अगर मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें बूट्स पहनने चाहिए। Oh, 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 oh,